वेरी गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई क्लास. यस, स्टैंडर्ड फिफ्थ स्टूडेंट्स, नाउ रीड चैप्टर थर्ड, फैक्टर दैट अफेक्ट अवर क्लाइमेट. आज हम बेटा चैप्टर थर्ड, फैक्टर दैट अफेक्ट अवर क्लाइमेट, पेज नंबर 280 पर रीड करेंगे. सो बेटा लिसन केयरफुली. जैसे क्लाइमेट आपको पता है क्या होता है? जलवायु. और वेदर क्या होता है बेटा? मौसम. जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? तत्व या साधन भी बोल सकते हैं अपने. तो क्या है दैट अफेक्ट, मतलब अफेक्ट मीन्स प्रभाव डालते हैं किस पे? हमारी जलवायु पे. आज हम जो तत्व हैं, जो अफेक्ट पाते हैं हमारी जलवायु पे, उनके बारे में रीड करेंगे. सो बेटा कितने हैं ये फैक्टर्स अपने पास? फोर. फर्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, सेकेंड इज अल्टीट्यूड, थर्ड इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और फोर्थ इज डायरेक्शन ऑफ विंड्स. यस बेटा, आज हम इन फैक्टर्स के बारे में रीड कर रहे हैं. सो लिसन केयरफुली. वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी डे. जैसे कि आप जानते हो कि वेदर क्या है? एवरी डे चेंज होता है वेदर. जैसे मैंने अभी आपको बताया, वेदर का मीन्स होता है मौसम. जैसे क्या है? ये थोड़े थोड़े टाइम बाद चेंज होता रहता है. जैसे अभी क्या है? समर है, मीन्स गर्मी पड़ रही है. अगर दो मिनट बाद बारिश आती है तो क्या होता है? वेदर क्या हो जाएगा? अपना ठंडा हो जाएगा. इस टाइप से वेदर में चेंज आता रहता है. एवरी डे, एवरी टाइम चेंज होता रहता है. सम डेज आर ब्राइट सनी एंड हॉट, व्हेरेस अदर आर क्लाउडी रेनी और कोल्ड. क्या है? कहते हैं वेदर के अकॉर्डिंग जो डेज हैं क्या होते हैं? कभी तो ब्राइट मतलब अच्छे होते हैं, सनी, कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी वाले होते हैं, एंड हॉट. वेर एज अदर आर क्लाउडी, कई बार क्या होता है? बादल छाए होते हैं, और कई बार रेन भी आ जाती है, और कई बार ठंडे हो जाते हैं. द टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर एंड कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर ऑफ पार्टिकुलर प्लेस अवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड द वेदर. क्या है? जो टेम्परेचर है अपना, तापमान है, बारिश है, प्रेशर मतलब हो गया, कंडीशन कोई भी कंडीशन मीन्स होगी गर्मी सर्दी कोडिंग जो भी है, एटमॉस्फेयर जो अपने मतलब वातावरण, एटमॉस्फेयर होता है बेटा अपना वातावरण जो भी है, उसमें जो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो छोटा टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं? वेदर. अंडरस्टैंड क्या है? द काइंड ऑफ वेदर दैट ए प्लेस है अवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट. जैसे कि अब वेदर क्या होते हैं? शॉर्ट पीरियड होता है. वेदर क्या होता है? शॉर्ट पीरियड होता है, मतलब थोड़े टाइम के लिए होता है, कभी गर्मी कभी सर्दी ऐसे चेंज दिन में दो तीन बार हो जाते हैं. और जो क्लाइमेट, अब उन्होंने बताया कि क्लाइमेट में क्या चेंज है? क्लाइमेट क्या है? ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है. क्या है? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मीन्स क्या है? 2-3 मंथ क्या रहेगी? पूरी समर. फिर 2-3 मंथ बाद क्या रहेगी? विंटर. बीच में क्या आ जाते हैं? 2-3 मंथ रेन के. इस टाइप से जो क्लाइमेट है लॉन्ग टाइम चलता है, जिसको क्या बोलते हैं अपने हिंदी में? जलवायु. ए प्लेस इज सेड टू हैव ए ड्राई क्लाइमेट इफ इट्स गेट्स वेरी लिटिल रेन ओवर ए पीरियड ऑफ मैनी ईयर्स. कहते कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं यहाँ पे क्या है? ड्राई क्लाइमेट होता है, मतलब सूखा हुआ क्लाइमेट होता है. इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे लिटिल रेनफॉल, मतलब बहुत ही कम मात्रा में क्या होती है? बारिश होती है पूरे ईयर में. ए प्लेस दैट गेट्स ए लॉट ऑफ रेन फॉर मैनी ईयर्स इज सेड टू हैविंग ए वेट क्लाइमेट. और कई प्लेसेस ऐसे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, साल में बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? वेट क्लाइमेट, मतलब नमी वाली जलवायु या नमी वाला मौसम. लुक एट द फॉलोइंग वेदर साइन यूज्ड टू वेदर फोरकास्ट. जैसे क्लाउडी दिया हुआ है, क्लाउडी मौसम किसके लिए? बादल छाए हुए हैं, तो मीन्स ये क्या है अपने पास? ये क्लाउडी है रेन के लिए. ऐसे ऐसे कर देंगे तो ये क्या होगी? रेनी हो गया. फिर क्या है? बहुत ज़्यादा, ये क्या है आपको पता लग रहा होगा, सन है तो ये क्या हो गया? सनी हो गया. और इस टाइप से अपने को स्ट्रॉन्ग ब्रीज दिए हैं, ये क्या है? सब अपने को बताती हैं कि ये वेदर के साइन है. वेदर एंड क्लाइमेट अफेक्ट अवर लाइफ इन मैनी वेज. वेदर और क्लाइमेट है हमारी लाइफ पे कई टाइप से कहते अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है. सुजेस्ट एनी टू वेज इन विच क्लाइमेट अफेक्ट योर लाइफ. कहते टू सुजेस्ट आने हैं कि आपकी लाइफ में क्लाइमेट कैसे इफेक्ट करता है, आपने अपने आप राइट डाउन करने हैं. डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर वर्ल्ड हैव डिफरेंट क्लाइमेट. हमारी क्या है? कहते हैं वर्ल्ड के पूरे देश के अंदर, पूरे संसार के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट होते हैं. देर आर मैनी फैक्टर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट ऑफ प्लेस.
इन्फ्लुएंस होता है बेटा प्रभावित करना। तो क्या है, कहते बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अपने क्लाइमेट को प्लेस टू प्लेस अफेक्ट करते हैं। द फर्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर मीन्स इक्वेटर से दूरी। ठीक है बेटा, ये अपने रीड कर रहे हैं। द रेज ऑफ द सन हीट द सर्फेस ऑफ द अर्थ। जो रेज हैं सन की, सन की रेज हैं क्या करती हैं, अर्थ पे पड़ती हैं सीधी। लुक एट द डायग्राम द सन रेज आर मोर डायरेक्ट और परपेंडिकुलर नियर द इक्वेटर। परपेंडिकुलर भी बेटा क्या होता है, मीन्स डायरेक्ट। दिस रेज फॉल ओवर द स्मॉलर एरिया मेक द प्लेस हॉट। जैसे कहते अपने इसमें आपको दिखाया गया है एक डायग्राम के थ्रू, क्या है जो इक्वेटर पे है सन रेज क्या है बेटा, ये क्या हो रही हैं, डायरेक्ट पड़ रही हैं। जिस पे सन की रेज डायरेक्ट पड़ेगी उसको क्या बोलते हैं, वहाँ का एरिया जो वो वाला एरिया है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा, हॉट होगा। ओके, दिस रेज फॉल ओवर स्मॉलर रेज मेक प्लेस हॉट। इस टाइप से ये प्लेस क्या अपने को हॉट बनाती है। यस बेटा, टर्न योर नेक्स्ट पेज नंबर 289। द क्लोजर ए प्लेस इज टू इक्वेटर द हॉट रेज इट्स क्लाइमेट। जो प्लेस इक्वेटर के पास होगी, मतलब जो प्लेस इक्वेटर के पास होगी वो भी बहुत ज़्यादा क्या होगी, हॉट होगी। मीन्स ये वाली प्लेस है तो क्या है, ये बहुत ज़्यादा हॉट है क्योंकि इक्वेटर के पास है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और टोरिड जोन भी बोल सकते हैं। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मीन्स होता है बेटा कम होना या घटना। नियर द पोल्स द रेज सन आर मोर स्लैंटिंग। क्या है, जैसे आपको एक डायग्राम दिखाई गई है जो पोल्स के ऊपर क्या है बेटा, ये देखो ये डायरेक्ट पड़ रही है ना इस टाइप से, स्लैंटिंग। स्लैंटिंग मीन्स होता है टेढ़ी लाइनें। ये तो पहले हमने इक्वेटर पे की थी, जो सीधी लाइनें पड़ती हैं ना, डायरेक्ट पड़ती हैं, उसको वहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ये क्या है, स्लैंटिंग, मतलब हमें त्रिशी लाइनें दी गई हैं, टेढ़ी लाइनें दी गई हैं। दिस स्प्रेड ओवर मच लार्ज एरिया हैव टू ट्रैवल ए लॉन्गर डिस्टेंस, दिस फर्दर रिड्यूस द हीट कैरिड बाय दम। जैसे कि ये डायरेक्ट पड़ने के कारण क्या है, गर्म है। अगर जैसे ऐसे स्लैंटिंग ऐसी पड़ेंगी तो क्या होगी, वहाँ पे पहुँचने में उनको टाइम लगेगा तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएंगी ये लाइनें। डिक्रीज होने के कारण क्या है, मीन्स घटती जाएगी गर्मी। ठीक है, घटती जाएगी गर्मी। सो द क्लोजर ए प्लेस एदर द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल द कोल्डर इज इट्स क्लाइमेट। जो कहते प्लेस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास पास वाली हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडी जलवायु वाली हैं, ठंडे क्लाइमेट वाली हैं। जैसे कि आपको इस बुक के ऊपर आपको डायग्राम दिखाया गया, उसको आपने अच्छे से समझना है। दस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिसाइड द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। कहते इक्वेटर से जो डिस्टेंस है, इक्वेटर से जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि वहाँ के क्लाइमेट हॉट है, कोल्ड है या क्यों। क्योंकि जो इक्वेटर के बिल्कुल पास है वो क्या होगी, आपको अभी बताया था, गर्म होगी। यस, नेक्स्ट है अपना टॉपिक अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मीन्स होता है बेटा ऊंचाई। क्या होता है, अल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई। ओके बेटा, यस। द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज ऑल्सो अफेक्टेड द अल्टीट्यूड। जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो क्या करती है, अफेक्ट डालती है किसके, अल्टीट्यूड के द्वारा, मतलब ऊंचाई के द्वारा भी क्लाइमेट पे इसका अफेक्ट पड़ता है। दैट इज द हाइट ऑफ ए प्लेस अबव द सी लेवल। जो कि हाइट है उसके सी लेवल से, मतलब जो सी लेवल के पास होगी प्लेस, जैसे आपको पीछे वाले चैप्टरों में भी करवाया गया है, लास्ट क्लास में भी, फोर्थ में भी करवाया गया था, जो प्लेस सी के पास होगी वहाँ पे क्या होगी, वहाँ का क्लाइमेट हमेशा क्या होगा, कोल्ड होगा। और जितनी दूरी पे होगी, जितनी ऊंचाई पे होगी, वहाँ का प्लेस क्या है, वहाँ पे उतना ज़्यादा तापमान टेम्परेचर क्या होगा, गर्म होगा। द हायर ऑफ द अल्टीट्यूड द कोल्डर द क्लाइमेट। द टेम्परेचर डिक्रीज बाय 1 degree Celsius फॉर एवरी 165 मीटर अबव द सी लेवल। जो टेम्परेचर है, तापमान है, डिक्रीज होता रहता है 1 Celsius फॉर एवरी 165 मीटर के बाद क्या है, कहते ये सी लेवल का ऊपर कम होता रहता है। दैट इज़ वाई द हिल स्टेशन लाइक ऊटी, मसूरी एक्सेट्रा आर वेरी कूल इवन इन समर एंड पीपल गो देयर एस्केप फ्रॉम द हीट। क्या है, जो हिल स्टेशन है बेटा, जो हो गया लाइक ऊटी है, मसूरी है ना, शिमला वगैरह कुछ भी है, तो वो क्या है,
बहुत ज्यादा ठंडे एरिया गिने जाते हैं। और पीपल क्या करते हैं, समर स्केप मतलब होता है बचने के लिए, समर से बचने के लिए वो क्या करते हैं बेटा, वो इन प्लेसेस पे जाते हैं। माउंट किलिमेंजारो इन टेंजिना इन अफ्रीका इज नियर द इक्वेटर। जो माउंट किलिमेंजारो इन टेंजिना में है वो क्या है, अफ्रीका में है, क्योंकि वो कहाँ पे है, इक्वेटर के बिल्कुल पास है। बट इज दिस स्टिल कवर्ड विद स्नो, पर क्या है ये हमेशा किससे कवर रहता है, स्नो मीन्स बर्फ से कवर रहता है। बिकॉज ऑफ दिस हाइट्स अबव द सी लेवल, क्योंकि उसकी जो समुद्र से ऊंचाई है उसके कारण वो हमेशा वहाँ पे कोल्ड रहता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है बेटा डिस्टेंस फ्रॉम द सी, मतलब समुंदर से दूरी, समुंदर से दूरी। ओके क्या है, द क्लाइमेट ऑफ प्लेस ऑल्सो डिपेंड ऑन हाउ फार इट्स फ्रॉम द सी। जो प्लेस है कहते डिपेंड करता है सी लेवल पे, जैसे पीछे आपको बताया है, प्लेस लाइक मुंबई चेन्नई और कलकत्ता विच आर क्लोज टू द सी आर नेदर वेरी हॉट नोर वेरी कोल्ड, दे आर क्लाइमेट कौन सा है, मॉडरेट। यहाँ पे बेटा ना तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो उस क्लाइमेट को क्या बोलते हैं, मॉडरेट क्लाइमेट। जैसे क्या है चेन्नई कलकत्ता मुंबई में कैसा क्लाइमेट होता है, तो आप क्या लिखोगे, क्या राइट करोगे, मॉडरेट। यस बेटा नेक्स्ट पेज 290। इन समर द कूल सी ब्रीज ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ एरिया अराउंड इट। क्या है जो समर में ठंडी हवाएं होती हैं वो क्या होती हैं, टेम्परेचर वहाँ का क्या है, डाउन हो जाता है जो सी लेवल के पास में होती हैं। इन विंटर द सी इज वार्मर देन द लैंड, कहते हैं वहाँ पे विंटर में क्या है कि वहाँ पे गर्मी होती है उस लैंड पे, सो द वार्म ब्रीज ऑफ द सी रेज द टेम्परेचर एंड प्लेस अलोंग द सी। लेकिन जो सी की जो ठंडी हवाएं आती हैं वो क्या कर देती हैं, हीट को डिक्रीज कर देती हैं, मतलब गर्मी को कम कर देती हैं लैंड तक पहुंचने के लिए, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कूल। ट्राई योर सेल्फ, जैसे बेटा आपको क्या करना है, कीप ए पीस ऑफ स्टोन, एक स्टोन का पीस लेना है, ए बाउल ऑफ वाटर इन द सन, और वाटर का लेना है सन के सामने रखना है। आफ्टर वन आवर सी व्हाट इज वाटर, आप क्या देखोगे वन आवर के बाद कि स्टोन ज़्यादा गर्म हुए हैं या वाटर ज़्यादा गर्म हुए हैं, ये आपने प्रैक्टिस करके देखनी है। जब आप स्कूल में आओगे तो आपने मेरे को बताना है। वाटर टेक्स लॉन्गर टाइम टू गेट हीटेड दैन लैंड वाटर ऑल्सो टेक लॉन्गर टाइम टू कूल डाउन। कहते जैसे आप एक बकेट ले लो उसमें पानी डाल के रख लो सन के सामने, तो क्या करोगे कि धीरे 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 पानी गर्म हो जाएगा ना, उसके बाद क्या है, आप जब सन की रेज चली जाएंगे जब उसको अंदर रखेंगे तो क्या होगा, उतना ही उसको टाइम लगेगा क्या करने में, ठंडा होने में। क्या कहते हैं, जितना टाइम पानी गर्म होने में लेता है उतना ही पानी ठंडा होने में टाइम लेता है। प्लेसेस लाइक दिल्ली एंड अमृतसर विच आर फॉर अवे द सी हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट। जो प्लेसेज क्या हैं, फॉर अवे द सी, सी से दूर हैं, वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, कहते हैं एक्सट्रीम मीन्स गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा, मीन्स इट इज़ वेरी हॉट इन समर एंड इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर। यस बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ विंड्स, मतलब जो विंड्स होती हैं हवाएं, हवाओं की जो डायरेक्शन है, एयर की जो डायरेक्शन है, दिशाएं हैं, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्या है, द डायरेक्शन ऑफ विंड अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ प्लेस एंड रेनफॉल दैट इट्स गेट्स। क्या है, जो डायरेक्शन है अफेक्ट डालती हैं किस पे, टेम्परेचर पे, तापमान में, प्लेस टू प्लेस, और रेनफॉल दैट इट्स गेट्स, इसके कारण क्या आती है, बारिश आती है। द विंड्स बिलोंग टू कोल्ड रीजन मेक ए प्लेस कूल, और जहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं जो ठंडे क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या होती है, प्लेस जो है कूल रहती है। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द हॉट रीजन मेक ए प्लेस हॉट, कहते जिस साइड हॉट रीजन है और प्लेस वहाँ की जो क्या रहेगी वो गर्म होएगी। द विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी कैरी लॉट मॉइस्चर, जो हवाएं समुंदर की तरफ चलती हैं वहाँ पे क्या कहते हैं, कहते लॉट ऑफ मॉइस्चर, और वो नमी लेके आती है, मतलब पानी की बूंदों से भरा हुआ मतलब क्लाइमेट लेके आती है। द मेक द वेदर ह्यूमिड, इससे क्या है, जो वेदर है ह्यूमिड मतलब उमस वाला नमी वाला हो जाता है, एंड कॉज रेनफॉल, इसके कारण क्या होता है बेटा, बारिश आती है। प्लेस नियर द सी रिसीव मोर रेन्स देन प्लेसेज दैट आर फर्दर अवे, और जो प्लेसेज कहते हैं सी से रिसीव क्या करती हैं, मोर ऑफ देन रेन लेती हैं, और प्लेसेज दैट फर्दर अवे, और दूसरी जगहों पे रेन को करती हैं। द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द अरेबियन सी ब्रिंग ए लो ट्रेन ऑफ द प्लेसेज ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स हैं वो कहते हैं अरेबियन सी से आती हुई क्या आते हैं, बारिश को लेके आती है, और कहाँ पे, अदर प्लेस जैसे वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया तक लेके जाती हैं।
इट इज़ नेसेसरी टू कंसीडर ऑल दिस फैक्टर बिफोर फॉर कास्टिंग द वेदर ऑफ प्लेस। कहते हैं ऐसे ही ये फैक्टर्स अलग अलग प्लेस के कारण वेदर पे क्या करती हैं, इफेक्ट डालती हैं। जैसे थिंक एंड राइट, कंसीडरिंग द दीज फैक्टर्स व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट वुड डू द फॉलोइंग प्लेसेस हैव। अब आपने बताना है कि इस कहाँ पे किस टाइप का क्लाइमेट होता है। जैसे अभी मैंने बताया था मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, वहाँ पे क्या होता है मॉडरेट, क्योंकि वो सी के नियर हैं। और जो सी से फर्दर अवे मतलब दूर हैं वो कौन कौन से हैं, लाइक दिल्ली है, अमृतसर है, इस टाइप से ये क्या है यहाँ पे क्या है जो गर्मी में बहुत ज़्यादा हॉट और विंटर में बहुत ज़्यादा कोल्ड वाला सीजन हो तो उसको बोलते हैं एक्सट्रीम। साइंटिस्ट टू स्टडी वेदर द क्लाइमेट विद द हेल्प ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट एंड फोरकास्ट द वेदर एक्यूरेटली और कोल्ड मेट्रोलॉजिस्ट। कहते जो साइंटिस्ट हैं वैज्ञानी हैं क्या हैं वहाँ का जो वेदर है, मौसम है, जलवायु है, क्या करती है हेल्प हम उनकी ले सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, इंस्ट्रूमेंट मीन्स टूल से, और क्या उसको क्या बोलते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। ठीक है, दिस डेज सैटेलाइट इन स्पेस सेंड बैक पिक्चर विच द मेट्रोलॉजिस्ट अलर्ट अबाउट ऑफ वेदर ऑल अराउंड द ग्लोब। इन डेज में क्या होता है सैटेलाइट होती हैं जो स्पेस सेंड बैक पिक्चर, वहाँ पे वो जाके पिक्चर लेते हैं और टेल मेट्रोलॉजिस्ट अबाउट द वेदर। और वो जो मेट्रोलॉजिस्ट मतलब जो अपने को वेदर की इन्फॉर्मेशन देते हैं, जानकारी देते हैं, उनको बोलते हैं बेटा मेट्रोलॉजिस्ट। वो हमें बताते हैं कि कहाँ वहाँ का प्लेसेस पे जो वेदर का इफेक्ट क्या होएगा, नेक्स्ट डे कैसा वेदर रहेगा। हमें काफ़ी दिन पहले ही पता चल जाता है ना कि आज बारिश आएगी या इतने दिन बाद ये मतलब यहाँ पे तूफान आने वाला है या यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो हीट होगी, तो इसके क्या है वो मेट्रोलॉजिस्ट हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। यस बेटा, अब हमने क्या किया था इस चैप्टर में, क्लाइमेट और वेदर के बारे में डिस्कस किया था। वेदर क्या होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और क्लाइमेट क्या है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, और हमने क्या किया था डिस्टेंस किस किस के अंदर, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से दूरी, अल्टीट्यूड मींस ऊंचाई, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से जो सी से दूरी है जिन प्लेसेस की जब पास में उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, डायरेक्शन ऑफ विंड्स हवाओं की दिशाओं का अपने क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये आपने रीड किया है। और मेट्रोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं बेटा, ए साइंटिस्ट हु स्टडी एंड फोरकास्ट द वेदर, जो उसकी स्टडी करते हैं किसकी, साइंस की, वेदर की। मॉडरेट क्लाइमेट, नेदर वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड, वेरी हॉट इन समर और वेरी कोल्ड इन विंटर। यस बेटा, अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल, नाउ अवर चैप्टर इज कम्प्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अपना चैप्टर कंप्लीट होता है, आपने अच्छे से सुनना है, अच्छे से इसको राइट करना है। यस बेटा, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।